Hey, what's up guys? This is Saurabh and welcome back to another brand new video. मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मीटर 350 के बारे में कौन से फीचर्स है और उसमें एक नया फीचर है जो ट्रिपर नेविगेशन का था, उसमें डिटेल में नहीं बताया था। तो आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि ट्रिपर नेविगेशन कैसे एक्टिव करते हैं और अपने फोन के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, लेट्स बिगिन। फर्स्ट आपको आपके फोन का जो ब्लूटूथ है वो ऑन करना पड़ेगा। देन आपको जो रॉयल एनफील्ड का जो ऐप है वो ओपन करना पड़ेगा। ऐप ओपन करने के बाद आपको नीचे चार ऑप्शन देखेंगे, उसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है नेविगेशन, उसको सिलेक्ट करना है आपको। नेविगेशन क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में ऊपर रेड हेलमेट दिखेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको माय ट्रिपर डिवाइसेस को ऑन करना है, देन आपको नीचे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे जो भी नाम दिखेगा उसके ऊपर आपको टैप करना है। उसके बाद आपको ट्रिपर नेविगेशन के डिस्प्ले पर आपको एक कोड आएगा, जैसे कि ओटीपी, जो भी ओटीपी का कोड है वो आपको ऐप में फिल करना है। देन आपको नीचे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो फोन है वो ट्रिपर नेविगेशन के साथ पेयर हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐप में बैक आना है और ऊपर जो भी सर्च डेस्टिनेशन दिखा रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है, और जहां पे भी आपको ट्रैवल करना है तो आपको वहां पे सर्च करना है जो भी हमारा डेस्टिनेशन है, जैसे कि हम जीपीएस में नॉर्मली करते हैं। डेमो के लिए मैंने यहां पे पुणे सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपको नीचे गेट डेस्टिनेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। देन आपको रूट दिखाई देगा, कैसे जाना है आपको। उसके बाद लेफ्ट साइड में एक नेविगेट का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको डिस्प्ले पर शो हो जाएगा कि आपको कहाँ पे राइट मोड़ना है, कहाँ पे लेफ्ट मोड़ना है और आपका डेस्टिनेशन कितना किलोमीटर दूर है। यही सब चीज़ें आपको ट्रिपर नेविगेशन डिस्प्ले पर आपको शो हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। तब तक मिलेंगे ऐसे ही नए वाले वीडियो के साथ। गुड बाय गाइज़।